मैं हर बार बोल रहा हूँ दोस्तों, साइड पेंट्री के खाना जब भी आप ले तो खाना को बराबर चेक करें आप। ये देख रहे हो, ये चद्दर की साफ सफाई हुई है, देखो हायर सीटीसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भाई वो भी नहीं है, ये बहुत गड़बड़ है, इसके खिलाफ है। 170 का बता रहा है। कितने का? 170 का बता रहा है। अभी इनको 170 का बता गया, मुझे 150 का बोला। जो साइड वेंडर है भाई, कुछ भी खाना मिलता है ना चेकिंग करते हैं, ना रेलवे ही चेकिंग करते हैं, ये बहुत गलत है। आई नो वेरी वेल कि इसमें कोई ज़्यादा लोग जो है आवाज़ रेज नहीं करते हैं। जितने का खिलाया है सबका पैसा वापस कर दो, नहीं तो जैसे अभी हमें 180 का। सो जैन फ्रेंड, दिस इज ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक और नई जर्नी होने वाली है, ट्रेन नंबर 12216 बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ में। जी हाँ, LHB रेक के बाद दोस्तों ये मेरा पहली जर्नी है इस ट्रेन में। वैसे इससे पहले गरीब रथ की जो रेक चलती थी उसके साथ हमने सफ़र किया हुआ है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन 1435 किलोमीटर की दूरी लगभग 18 हॉल्ट के साथ 23 घंटे में पूरा करती है। और आज का हमारा बोर्डिंग पॉइंट है बड़ोदरा, जो कि टिकट भी है दोस्तों बांद्रा टर्मिनस से, बोर्डिंग पॉइंट बड़ोदरा है। और यहाँ पर इस ट्रेन की टाइमिंग है शाम के 4:52 पे, और इस ट्रेन से जो लगभग दोस्तों 1075 किलोमीटर की दूरी हम इस ट्रेन से तय करेंगे। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और हो सकता है दोस्तों कि वॉइस में कुछ प्रॉब्लमें आए आपको, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है, रुक रहा है, राइट। तो कुछ गलतियां हो तो भाई साहब पहले से ही सॉरी फॉर डैट। दोस्तों हमारी ट्रेन का वैसे अराइवल टाइमिंग जो है होने वाला है और अनाउंसमेंट भी हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको G10, और आज का हमारा वैसे कोच होगा G13 G13, 48 नंबर सीट है। पहले RAC था 114 जब हमने टिकट कराया था एक हफ्ता पहले, और अभी जो है कंफर्म हुआ है तो 48 नंबर सीट दिया है G13 में, जो कि अपर बर्थ है। और थोड़ा दिक्कत भी है क्योंकि उसमें क्या है, सिर थोड़ा लड़ता है, देखते हैं कैसा है। LHB कोच यार पहली बार जो है इस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर थोड़ी ही देर में आ रही है। वैसे सही बताऊं तो स्टेशन पे 20 रुपये का चाय हो गया बड़ोदरा के, भाई कहने लग रहे हैं कि लौंग इलायची डाला हुआ है, इतना जल्दी डकैती अच्छी बात नहीं है। बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है भाई चाय का रेट, मुझे लगता है 2-4 दिन में एकदम डबल 100% मार्जिन के साथ काम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 5 मिनट का हॉल था, वैसे 5 मिनट की देरी से यहाँ से चल रही है, डिपार्चर देख लेते हैं। वैसे RPAP देख रही थी मेरे को, पता नहीं क्या है। और सही बताऊँ तो देखिए हेल्थ इशू है, आवाज़ चेंज होगा मेरा। सो लास्ट टाइम भी जब मैं चेन्नई गया था उसमें भी बताया था कि मेरा तबीयत दोस्तों ख़राब चल रहा है, और मैंने जैसा बताया कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैं मोबाइल के माइक का यूज कर रहा हूँ। सामने खड़ी है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद, बड़ोदरा अहमदाबाद, तो बड़ोदरा से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली गाड़ी है। वैसे सही बताऊं तो LHB कोच क्या हो गया है, बाहर से एक बंदा आया चाय बेच रहा था, कह रहा है 20 रुपये का चाय है भैया क्योंकि लौंग इलायची इसमें डाला है। यार क्या डकैती है भाई, समझ रहे हैं। अब मेरे पास तकलीफ ये हो गया है ना कि दोनों हाथ बजे रहेंगे, ठीक है, तो ना ही गेट से ज़्यादा शूट करने वाला हूँ और फुटेज भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मेनली ये है दोस्तों कि LHB रेक के साथ पहली बार मैं चल रहा हूँ इस गरीब रथ में, तो कैसा है अंदर का जो है कोच का कैसा है हिसाब किताब। वैसे बहुत कंजेस्टेड लगा, फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पेंट्री वालों की, तो पेंट्री वाले कैसा सर्विस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना डकैती इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा, ईमानदारी से चल रहा है काम, वो सारी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। पब्लिकों को क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मेनली मेरा फोकस इस पे ही होता है, ठीक है ना। बाहर का नज़ारा तो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ, है कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेहनत को मेरी सपोर्ट कीजिएगा।
दोस्तों जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं वो है अमूल दूध का मेन प्लांट। ये सारा का सारा जो है अमूल का ही प्लांट है। और वैसे हमारा झंडा शान से लहराता हुआ, हमारी ट्रेन आ गई है आनंद। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है वैसे आनंद जंक्शन। स्टेशन कोड है ANND और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और वैसे ये मेजर जंक्शन पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है गोधरा जंक्शन के लिए जाता है और ये आता है वैसे बड़ोदरा अहमदाबाद वाले लाइन पे और इसे वैसे मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे हमारी गाड़ी आनंद में जो है 7 मिनट की देरी से आई है और अभी आप देख सकते हैं 5:39 हो रहा है 2 मिनट के हॉल्ट के साथ जो है हमारी ट्रेन रवाना हो गई है आनंद से। और देखिए क्या आपको बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा ये दृश्य, देखिए लग रहा है ना। टीटी साहब आए थे चेक करके गए। दोस्तों हम लोग आ गए अहमदाबाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उस साइड में थोड़ा है क्या, एक नंबर ही है ना वो। अच्छा उड़ा दिया पूरा बिल्डिंग ही उड़ा दिया। ओ भाई साहब ये देखो सारा का सारा भाई साहब अहमदाबाद का मेन जो आपका बिल्डिंग था वो उड़ा दिया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अमृत भारत जो के तहत जो रेलवे स्टेशन बनने वाले थे उसी में कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी अहमदाबाद का। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है अहमदाबाद जंक्शन। स्टेशन कोड ADI 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम है 6:55 का और अभी ये ट्रेन जो है यहाँ पे लगभग 21 मिनट जो है पहले यहाँ पहुँची है। तो मतलब 10 मिनट का हॉल्ट है तो टोटल 30 मिनट यहाँ रुकेगी। और चूंकि ये मेजर रेलवे स्टेशन भी है, जंक्शन भी है अहमदाबाद और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बता दो दोस्तों ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है हिम्मत नगर के लिए जाता है और एक रूट जो है विराम गाम जंक्शन के लिए जाता है। सामने रुकी पड़ी है बाड़मेर यशवंतपुर और स्टेशन कुछ ऐसा है अहमदाबाद का फिलहाल इस समय। वैसे अहमदाबाद स्टेशन पे ना आपको गर्मा गर्म जो है रोटी सब्जी सब कुछ मिल जाएगा, आप खा सकते हैं यहाँ पे आके और सस्ता भी रेट भी मिलेगा वैसे। और वैसे स्टेशन पे आपको जो है सैंडविच वगैरह मिल जाएगा, पराठा मिल जाएगा, ताज़ा पराठा बना रहे थे वैसे, अच्छी बात है यार। और पहली बार मैंने वैसे देखा स्टेशन पे रात के समय कोई ताज़ा ताज़ा बना के बेच रहा हूँ।
और वो स्टॉल कौन सा था, सामने जो स्टॉल आ रहा है वो स्टॉल था। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ पे आपको समोसा वगैरह तो ताज़ा नहीं है, लेकिन जी हाँ देखो अभी भी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, ये सारा कुछ मिल जाता है स्टेशन पे। खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली स्टेशन पे। और देखिए वैसे क्रॉसिंग आ रहा है यानी प्लेटफॉर्म जा रहा है, तो यहाँ पे जो डंडे मारने वाले लोग हैं थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वैसे खाने का ऑर्डर लिया जा चुका है, और सही बताऊं तो खाने का ऑर्डर 150 रुपये, इससे कम में कोई थाली नहीं है जैसा कि आपने सुना होगा। तो मेरी हेल्थ जो है ना भाई मिनट दर मिनट जो है गिरती जा रही है, तो मैं थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठंडा महसूस ज़्यादा हो रहा है। तो खाना आता है, खाना खाते हैं, दवाई खाएंगे और फिर सोएंगे, ठीक है ना। 150 का खाना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, इससे नीचे का कोई खाना नहीं है भाई। खाना तो हो चुका है, लेकिन बात बताऊँ मैं इसमें क्या गड़बड़ी है। फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ निकला, मैं बताता हूँ क्या है। तो देखो ये खाना है अपना, और इस खाने में क्या क्या मिला है वो दिखाता हूँ। ये अपना पनीर की सब्ज़ी है, 150 रुपये की थाली है, सब्जी है, यहाँ दाल है, पिकल है, यहाँ पे आपको मिठाई मिलेगा। रोटी मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये रोटी है, और देखिए ये रोटी जो है ना अभी मैंने बस पैकेजिंग ओपन किया है, ये बासी रोटी पकड़ाया हुआ है, समझ रहे हैं, ये बासी रोटी पकड़ाया हुआ है मुझे। अब जरा इनका हिसाब किताब बराबर करते हैं कि ये खाना 150 का फिर कैसे हो गया, और ये बासी रोटी किसने परोसने को बोला। तो दिस वन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दिस इज योर चपाती, और मैं इसको क्लेम करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या रिपोर्ट निकलता है रेलवे से, बट ये कहीं ना कहीं गलत है। जो साइड वेंडर है भाई, कुछ भी खाना मिलता है ना चेकिंग करते हैं, ना रेलवे ही चेकिंग करता है, ये बहुत गलत है। आई नो वेरी वेल कि इसमें कोई ज़्यादा लोग जो है आवाज़ रेज नहीं करते हैं। रोटी से स्मेल आ रही है भाई, समझ रहे हैं, रोटी से स्मेल आ रही है, क्या ही बोलूँ अभी इसको। तो पहले बुलाते हैं भाई को, फिर बताता हूँ मैं। देखो भाई लोग यहाँ पे ना चित्र मिला है आपको, देखो ये देख रहे हो, ये चित्र की साफ सफाई हुई है। देखो क्या मजाक बना के रेलवे रखा हुआ है यार, ऐसे लोगों का जो फालूदा बना के रखा हुआ है। देख रहे हो क्या है, भगवान जाने धब्बा है किसी चीज़ का, यूजेस वाला चद्दर है भाई। चलो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है पालनपुर जंक्शन, स्टेशन कोड है PNU। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है वैसे बताऊँ तो। ये ट्रेन जो है यहाँ पे लगभग आधे घंटे पहले आई है, 10:33 का टाइमिंग है अराइवल टाइम। और अभी टाइम कितना हो रहा है वो दिखाता हूँ मैं, टाइम हो रहा है 10:08 है ना, और ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। दोस्तों ये एक जंक्शन पॉइंट है, और इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से एक रूट जो है भिलड़ी के लिए जाता है, भिलड़ी जंक्शन के लिए, और एक रूट से जो है हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। और रात का सफ़र जो है कुछ ऐसा है, और कंप्लेंट करने के बाद जो है मैनेजर है नहीं, दूसरा कोई मैनेजर बन के आ गया बात करने के लिए। जब उससे आईडी कार्ड मांगा तो बोल रहा सर सुबह में मिलेंगे, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हेल्थ इशू था, दवाई खाया हूँ दोस्तों थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो सोचा बाहर आ जाता हूँ क्योंकि ट्रेन आधे घंटे बिफोर आई है। भाई ये कौन सी ट्रेन आई पता नहीं चला, ये भुज बांद्रा साप्ताहिक, भुज और बांद्रा यानी ये जा रही है आगे से भुज को जा रही है, बांद्रा से आ रही है भुज को जा रही है। कि भाई खाना जो है ना इस ट्रेन में आप ले रहे हैं, मैंने बार बार बोला है, और लास्ट टाइम भी गोरखधाम में हुआ था, मैं हर बार बोल रहा हूँ दोस्तों साइड पेंट्री के खाना जब भी आप ले तो खाना को बराबर चेक करें आप। त्रिवेंद्रम में हुआ था, खाने में मिला था कीड़े का पंख, तो ये मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा जागरूकता ही आपका बचाव है, बाकी कुछ नहीं है। 150 का खाना रेलवे में है ही नहीं, जो उसका वेट होता है ना IRCTC के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भाई वो भी नहीं है, तो ये बहुत गड़बड़ है। और सब कुछ IRCTC के रूल्स के खिलाफ है। कितने का? 170 का बता रहा। अब इनको 170 का बता गया, मुझे 150 का बोला, दूसरी ट्रेन में 120 का खाए थे, फिर 170 बताया मैंने, बिल मांगा है, और ये 180 से नीचे है, बिल लाते हैं तो पैसे देंगे, लेकिन ऑलरेडी कंप्लेंट हमने रेज कर दिया है, देखते हैं क्या होता है इसमें।
दोस्तों इसी के साथ जो है हमारी ट्रेन जो है अलवर जंक्शन पे जो है इंटर कर रही है। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है अलवर जंक्शन, स्टेशन कोड है AWR। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है और यहाँ पे पहुँचने का टाइम है सुबह 8:07, जो कि 7 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और चूँकि एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है ना मथुरा जंक्शन के लिए जाता है, चूँकि यहाँ का मिल्क केक बहुत फेमस है। और मिल्क केक कैसा दिखता है देखो, ये रहा मिल्क केक, आपने खाया भी होएगा, लेकिन यह अलवर का मिल्क केक बहुत फेमस है, जब भी आइएगा ट्राई जरूर कीजिएगा। और यहाँ से लेते हैं हम लोग चाय और सुबह का सूर्योदय आपको दिख रहा होगा, ट्रेन के ऊपर से सूर्य भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं। तो मैं चाय पी रहा हूँ। आप अलवर आए ना तो चाय जरूर ट्राई कीजिएगा, चाय बहुत अच्छा है, बहुत इस रूट से जा रहा है। सुबह का अगर चाय पीना हो तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। प्यारे मोहन देखो भाई, ये भाई लोग आए हुए हैं, ठीक है मैनेजर हैं, ये चाहते हैं कि भाई कंप्लेंट वापस ले, लेकिन कंप्लेंट वापस लेने के मूड में मैं नहीं हूँ। बहुत सीधा सीधा छोटे से शब्द में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है सर, कंप्लेंट वापस नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट। हमने अपनी पेमेंट भी नहीं किया आपने, पेमेंट पेमेंट कॉल किया, मैंने 150 का आप दे दीजिए ना, नहीं मैंने दिया। तो 150 का बिल दे दीजिए, मैंने कहा मना किया, 150 की थाली आप बेचो, 150 का बिल दे दीजिए, आपने दिया नहीं, बिल दे दीजिए। 80 का दिया था, 80 का आपने खाना नहीं दिया ना, अगर 80 का देना है तो सब जितने का खिलाया है सबका पैसा वापस कर दो। नहीं तो जैसे अभी हमें 180 का बिल, मटर पनीर 180 का बिल बनता है, मटर पनीर 80 का, देखो पहली बात तो मटर पनीर स्टैंडर्ड थाली 180 रुपए का बिल बनता है। आप सुन लीजिए, आपका जो रेलवे का रूल है ना उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल है तो आपको स्टैंडर्ड मिल का देना ही होगा, दो थाली तो मैं मना ही नहीं करता हूँ। आपका बंदा दे रहा है, बंदा ने अगर बंदे ने हम कह तो रहे, अगर बंदा हमको बोल देता तो मैं तुरंत ही मंगाता। सर आपको बंदा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मैंने बंदे से बोला ना, मेरे को नहीं बोला बंदा सर, वो आप जाने और बंदा जाने ना, उसमें मेरा उसकी गलती है, मैं उसको बोल रहा हूँ, आप उसको जिसको बोलना है बोलिए। तो दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच गई है रेवाड़ी जंक्शन। वैसे मैं बताऊं तो मेरा टिकट जो था वो तो था वैसे दिल्ली सराय रोहिला तक और एंड टू एंड ही था, लेकिन मैं इसे रेवाड़ी में ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से निकलना है भिवाड़ी की साइड और मुझे वहां से उल्टा पड़ेगा। राइट टाइम ये गाड़ी यहां पे पहुंची है दोस्तों। और यहां पे इस ट्रेन का वैसे ऑफिशियल जो है 3 मिनट का है, शायद 3 मिनट या समथिंग का है स्टॉपेज। और यहाँ पे जो है ना इस ट्रेन में आपको जो है दोस्तों साफ़ सफाई तो कोच में तो किया गया है और बाहर भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन पैसेंजर जो है फिर से वही काम कर दिए, गंदा कर दिया। और रेवाड़ी में आप मॉर्निंग टाइम आते तो आपको पकौड़े वगैरह मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे पकौड़े वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप खा सकते हो पूरा ही। वैसे बता दूँ दोस्तों कोच कंपोजिशन की बात करें, 20 कोच के साथ जो है गरीब रथ चलती है और सारे के सारे थर्ड टियर इकोनॉमी कोच है, कंजेस्टेड तो है ना। और इसके किराया जो एंड टू एंड मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 1150-1200 के आसपास तक का पड़ा है, ठीक है ना। और खाने की बात की जाए दोस्तों तो 150 का थाली दे रहे थे, खाने का बिल जो है दोस्तों वो बिल ला के नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। और दूसरी बात है रोटी, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा यू नो ख़राब था, पुराना बासी रोटी दिया था उन्होंने मुझे। बेस किचन से भी फ़ोन आया लेकिन दोस्तों मैंने जो कंप्लेंट किया उसे वापस नहीं लिया है,
स्नैपशॉट मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और जो भी पेनल्टी वगैरह है उस पर लगाया जाएगा, और ऐसा मैसेज और इन्वेस्टिगेशन जो है ये करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब क्या करेंगे, चूँकि प्रूफ के तौर पर सारा कुछ मैंने उनको प्रोवाइड कराया हुआ है, देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों जर्नी अच्छी लगी होगी, और इसमें बहुत सारे स्टेशन को मैंने स्किप कर दिया, और कुछ स्टेशन को मैंने कवर किया जिसको मुझे शायद नहीं कवर करना था, लेकिन उसको मैंने कवर कर लिया, पालनपुर वगैरह। इसका कारण था दोस्तों हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब था, दवा खाया थोड़ा अच्छा लगा तो पालनपुर उतरा, उसके बाद फिर से बुखार लग गया दोस्तों, और नींद खुली ही नहीं, नींद खुली अलवर के आसपास। तो ये था कुछ जर्नी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।